सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन RRTS, और चलेंगे आज मेरठ साउथ के स्टेशन RRTS के, दिखाएंगे आप लोगों को कि उस बीच में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पे, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं नीचे के जो सेफ्टी बोर्ड हैं वो हटा दिए जा चुके हैं, अब इस जो बीच के डिवाइडर हैं वो बनाया जा रहा है, बीच का डिवाइडर। अब बीच का डिवाइडर बन जाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर इसमें प्लांटेशन की जाएगी दोस्तों। और अब आ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर आपको बता दूं पैराफिट वॉल बना लिए जा चुके हैं। पैराफिट वॉल लग जाने के बाद में अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने हैं, और खंभे लग जाने के बाद में खंभे के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, फिर उनके ऊपर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। और इस पर अभी ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे, ट्रैक स्लैब डाल देने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। तो अभी प्रोसेसिंग बहुत लंबा चौड़ा है। इधर आपको बता दूँ कि दुहाई से लेकर और मेरठ के मोदीपुरम तक का जो बायोडक्ट है वो आपको बता दो, इस रूट पे जो RRTS दौड़ेगी वो दौड़ेगी सन 2025 में जाके। तो उससे पहले ही ये वर्क कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि 24 के लास्ट तक ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, RRTS पूरी तरीके से बन जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आज आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं क्या मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के साथ में बने रहो और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों।
देख सकते हैं आप सभी के यहाँ तक ये लॉन्चर इसने एक दूसरे पिलर को कंप्लीट कर चुका है और ये जा रहा है मेरठ साउथ के स्टेशन की तरफ दोस्तों जोड़ता हुआ। तो देख सकते हैं सारे पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, सेफ्टी बोर्ड हटा दिए गए हैं, नीचे से साइड में रख दिए जा चुके हैं और आप लोगों को आगे एक और लॉन्चर अभी देखने के लिए मिलेगा, वो भी स्टैंड कर लिया जा चुका है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि उसका मुंह है इस साइड में, यानी कि मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में उसका मुंह है दोस्तों। देख सकते हैं अभी नापतौली का काम चल रहा है, यहाँ पर सारे पिलर बन के कंप्लीट हो गए हैं बिल्कुल ही। तो आप लोगों को दूसरा लॉन्चर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्चर स्टैंड किया जा चुका है, देख सकते हैं ये लॉन्चर स्टैंड कर लिया जा चुका है। अब ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करेगा दोस्तों, पर इसका आपको बता दूं कि इसका मुंह भी आपको बता दूं कि मेरठ साउथ के स्टेशन की तरफ है। और आपको बता दूं कि देख सकते हैं ये जो ब्रिज चमक रहा है ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो दादरी से स्टार्ट होता है और लुधियाना तक ये जाएगा ये कॉरिडोर। तो देख सकते हैं ये भी बन के, हमने पिछली वीडियो आपको दिखाई थी, इसका अपडेट दिया था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना दोस्तों। पर ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं क्योंकि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ये क्रॉस कर रही है लाइन, तो इसी वजह से इन पिलरों की हाइट ज़्यादा है। और दूसरा आपको बता दूं कि मेरठ साउथ का स्टेशन भी बनाया जा रहा है, उसके बाद में ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को भी क्रॉस कर रहा है, तो इस वजह से इन पिलरों की हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी आप सभी को दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ से ये मोदी नगर साउथ का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं दोनों पिलर बना दिए जा चुके हैं, इन पर गाटर भी रख दिए जा चुके हैं, अब इन पर गटर लॉन्चिंग की जा रही है। देख सकते हैं फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। ऐसे ही चलता चला जा रहा है आगे की साइड में, देख सकते हैं कि अभी स्टार्टिंग में ही ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस टाइम पर, और जैसे जैसे हम स्टेशन की साइड में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे देख सकते हैं गाटर नहीं लगाए गए हैं इस पर, देख सकते हैं इस पर बीम रख दिए गए हैं, दोनों पिलर जॉइंट कर दिए जा चुके हैं, सेटरिंग लगी हुई है क्योंकि कुछ पिलर बचे हुए हैं अभी, कुछ तो कंप्लीट कर लिए जा चुके हैं, वहाँ से सेटरिंग हटा दी जा चुकी है, कुछ पे अभी सेटरिंग लगी हुई है। जे देखो ये पिलर भरे जा रहे हैं, इन पर सेटरिंग लगी हुई है दोनों के, देख सकते हैं उधर भी इधर भी दोनों साइड में ये भरे जा रहे हैं अभी इस टाइम पर। और आपको बता दूँ कि ये मोदी नगर जो साउथ का स्टेशन है कॉन्कोस्ट लेवल का तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो काम है उस पर वर्क चल रहा है, देख सकते हैं अभी आपको बता दूं ये बीम डाले जा रहे हैं और बीम डालने के बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, फिर इस पर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म लेवल का काम चल रहा है, कॉन्कोस्ट लेवल का काम कंप्लीट हो चुका है, मेरठ साउथ का स्टेशन है ये दोस्तों, देख सकते हैं फ्लोरिंग की जा रही है और सेकंड लेवल का ये काम चल रहा है दोस्तों, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। और मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों ग्राउंड लेवल के, क्योंकि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ, आप लोगों के बीच में अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं ये पिलर पीछे वाला भरा जा रहा है, इसमें कंक्रीट की जा रही है, बाकी तो ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं उधर के भी, अब इसके बीच में एक गाटर रखा जाएगा, गाटर रख देने के बाद में फिर ये एक दूसरे से जॉइंट कर दिए जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं जैसे ये वाले पिलर किए जा रहे हैं इसी तरीके से वो भी किए जाएंगे, और इस पर देख सकते हैं इस पर पिलर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, बाकी ये सारे पिलर कम्प्लीट हो चुके हैं। और आगे आ जाता है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, ये जो क्रॉस कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि जब हम दिल्ली की साइड में जाएंगे तब हम ये उतरने के लिए, आपको बता दूं जब हम हरिद्वार और ये मुजफ्फरनगर के लिए जाएंगे तब का ये नज़ारा है दोस्तों, ये यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है।
तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है, इसका एंड हो जाता है। तस्वीरें देख सकते हो, आरआरटीएस के ये देख सकते हैं, पिलर बना दिए जा चुके हैं, ये भरा जा रहा है कंक्रीट द्वारा, फिर इसको क्रॉस किया जाएगा। और क्रॉस करने के बाद में भी आप लोगों को दिखाते हैं कि उधर कितना कुछ वर्क हो चुका है, कितने पिलर बन चुके हैं, क्या क्या नज़ारा है वहाँ का, वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और आपको बता दूँ कि ये मेरठ सिटी में जाने के लिए अंदर इस फ्लाईओवर को हम क्रॉस करेंगे, इस अंडरपास के अंडर जाएंगे दोस्तों, निकल जाएंगे, फिर आगे रेलवे क्रॉसिंग आ जाएगी, और रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद में फिर हम अंदर सिटी के अंदर जाएंगे दोस्तों। और अगर हम सीधे सीधे जाते हैं लेफ्ट में, इस अंडरपास के अंदर नहीं जाते हैं, सीधे चले जाते हैं तो मुजफ्फरनगर और आपका ये हरिद्वार के लिए चले जाएंगे। तो हम जाएंगे इसके अंदर दोस्तों, इस अंडरपास के अंदर चल दिए हैं, देख सकते हैं तस्वीरें, अंदर आ गए। और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट में दोस्तों, यानी कि चलेंगे वापसी। तो सामने ये आरआरटीएस के पिलर देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इन पे अभी पिलर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। जब हम मेरठ से आएंगे मोदी नगर के लिए, तब ये दोनों साइड में बनाया गया है कुछ इस तरीके से दोस्तों, देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, और हमें नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि हमारे वीडियोस कैसे लगे आप सभी को। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं दूसरी साइड का नज़ारा, दूसरी साइड में भी आप लोग देख लो, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, उसको ये आरआरटीएस क्रॉस कर रही है दोस्तों, इस वजह से ही ये आरआरटीएस के पिलर्स की हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी आप सभी को दोस्तों। देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को क्रॉस कर दिया है, अब आ जाता है ये दिल्ली मेरठ, वो सॉरी मेरठ साउथ का स्टेशन। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हैं, ये हम जब मेरठ से आएंगे तब ये उतर रहा है ये मोदी नगर के लिए दोस्तों। और स्टेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोदी नगर साउथ का, तो मोदी नगर के साउथ के स्टेशन पर दोनों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आते का भी और जाते का भी, देख सकते हैं, क्योंकि ये पिलर भरे जा रहे हैं दोनों, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि लेफ्ट का और राइट का पिलर कनेक्ट किया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस पर अभी गाटर रखा जाएगा, गाटर रख देने के बाद में इस पर जॉइंट किया जाएगा, और इस पर देख सकते हैं कंक्रीट भरी जा रही है, सेटिंग लगाई जा रही है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, नज़ारे हैं ये मेरठ साउथ के स्टेशन के, देख सकते हैं ये मेरठ साउथ का स्टेशन है आरआरटीएस का, इस पर कॉन्कोर्स लेवल का वर्क बिल्कुल कम्प्लीट हो गया, अब सेकेंड लेवल का ये वर्क चल रहा है, देख सकते हैं फ्लोरिंग का काम चल रहा है, गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, फ्लोरिंग कर देने के बाद में फिर इस पर ट्रैक के लिए भी रास्ता दिया जाएगा। तो यही नज़ारा है दोस्तों, तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, नीचे हमें कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तो एंजॉय करो,